আলিপুরদুয়ারে ভারতীয় রেলের উদ্যোগে স্বচ্ছতা পাখওয়ারা অনুষ্ঠানের সূচনা হলো। এদিন ডিআরএম অফিস থেকে আলিপুরদুয়ার জংশন রেল স্টেশন পর্যন্ত প্রভাত ফেরি করা হয়, সেই সঙ্গে পথনাটিকা সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলিপুরদুয়ার ডিআরএম অফিসের সামনে স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। রেল কর্মী, পড়ুয়া ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা তাতে অংশ নেন। এরপর জংশন স্টেশন থেকে প্রভাত ফেরি বের করা হয়। প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করার আর্জি জানানো হয়। এদিন পথনাটকের মাধ্যমে এ বিষয়ে প্রচার করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রেলের ডিআরএম কে এস জৈন সহ অন্যান্যরা। এদিন শিলিগুড়ির দিনহাটা ডিইএমইউ এর যাত্রীদের হাতে পরিবেশ বান্ধব ব্যাগ তুলে দেওয়া হয়। देखिए आज का प्रोग्राम बड़ा विशेष प्रोग्राम था। आज हमारा जो पहला दिन था जो स्वच्छता पखवाड़े का, जिसके अंतर्गत आज स्वच्छता शपथ ली गई, प्रभात रैली फेरी निकाली गई, नुक्कड़ नाटक किया गया और इसके अलावा हम लोगों ने थैला जो है वो रेलवे पैसेंजर जो भी हमें प्लास्टिक का थैला यूज करते पाए गए उनको दिया, उनको बताया कि ये आप प्लास्टिक ना यूज़ करें। इस तरह की जागरूकता की रैली हमने चालू की है और अभी वर्कशॉप भी होने वाली है, जो हमारे सीनियर डीएमई जो कि ENHM के अधिकारी भी हैं, तो ये सब एक्टिविटी आज की है। और इसी तरह की एक्टिविटीज प्रतिदिन क्या होगा, रेलवे बोर्ड ने पूरे विस्तृत जामे लिखते दिया है, तो उसी के अनुसार अगले 15 दिन तक ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। फाइनली 2 तारीख को इसको इसका ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा और सारा प्लांटेशन, स्वच्छता अभियान और प्लास्टिक का बंद करने का आह्वान उस दिन बड़े जोर शोर से होगा। अभी भी चल रहा है और कल भी ये चलेगा। जैसे आप लोगों ने सर जैसे नाटक वगैरह जो रोड शो है ये सब किए हैं सर, इसमें सर आप लोगों का मतलब जो आप प्रचार कर रहे हैं तो कितना तक आप फायदा मतलब आशा कर रहे हैं कि ये सब लोगों में ये जो जागरूकता करने की कोशिश कर रहे हैं इससे फ़ायदा हो जाएगा? देखिए इसका बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि जब तक लोगों को हम बताएंगे नहीं तो उनको आम तबके को इसकी जानकारी नहीं होती है। इसका बड़ा फ़ायदा होगा, हमें दिखाई दे रहा है इसका फ़ायदा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोगों को जैसे पता चल रहा है वो इसका प्लास्टिक का यूज़ धीरे धीरे बंद कर रहे हैं।